हेलो स्टूडेंट्स अस स्टार्ट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बहुत इजी टॉपिक है एक जनरल परसेप्शन है कि ये टफ है बट हम इसे इजी क्यों कह रहे हैं द रीज़न बिहाइंड कि जब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसकी जो इसमें जो कैलकुलेशन है वो बहुत कम कैलकुलेशन है फॉर्मूलेज की अगर हम लोग बात करें तो फार्मूले भी बहुत कम है इसमें अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट भी जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं उसी का एक्सटेंशन है कौन कौन से टॉपिक ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं क्लास ट्वेल्थ में हमने वेक्टर स्टडी किया अभी इससे प्रीवियस चैप्टर था क्लास इलेवेंथ में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री ये स्टडी किया तो ये चैप्टर जो है बेसिकली इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है वेक्टर्स तो आपने रिसेंटली स्टडी किया इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं तो हम लोगों की सीरीज वीडियो सीरीज है प्लेलिस्ट है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के नाम से ही उसमें जो फर्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर टू पॉइंट वन भी उसमें कॉन्सेप्ट हैं उसे एक बार देख लीजिएगा तो आपको ये वाले टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो इन जनरल फिर ये परसेप्शन इसका है क्योंकि ये टफ है द रीज़न बिहाइंड कि बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं जब हम इनके कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं कौन कौन से पॉइंट जैसे डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो सिलेबस की बात कर रहे हैं अभी इसमें देखिए डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं किसका वेक्टर्स का प्रीवियस चैप्टर में और यहाँ पे क्या है यहाँ पे है लाइन का हालांकि लाइन ज्वाइनिंग है पहले लाइन का करेंगे फिर लाइन ज्वाइनिंग का करेंगे तो यहाँ पे लाइन का है तो लाइन और वेक्टर में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए हालांकि वेक्टर्स का जब हम लोगों ने चैप्टर आपको कराया था वहाँ पे लाइन लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ये सारी चीज़ें बताई थी तो सही समय पे सही चीज़ें याद आनी चाहिए तो अगर आपको लाइन और वेक्टर में डिफरेंस मालूम है क्या होता है तो आपको डायरेक्शन को साइन और डायरेक्शन रेशो वेक्टर का तो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लाइन का अपने आप में समझ में आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन की अगर हम बात करें तो एलेमेन थे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर के और लाइन क्या थी हमारे पास लाइन एक्सटेंड हो सकती है इन्फाइनिटली इन बोथ डायरेक्शन डायरेक्शन दोनों तरफ हो सकती है मीन्स इस साइड भी हो सकती है इस साइड भी हो सकती है तो अगर एक सेट डायरेक्शन कोसाइन का एलेमेन है तो दूसरा सेट इसका क्या होगा माइनस एल माइनस एम माइनस एन होगा माइनस साइन कहाँ से आता है वो जब कॉन्सेप्ट बताएंगे तो आएगा तो हम आपको समझाएंगे तो बेसिकली क्या है देखिए ये फर्क है कि दर, जो वेक्टर की बात करी थी तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन का एक सेट था जब हम लोग लाइन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास के दो सेट में हमें मिलते हैं तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं अब अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास सिलेबस में डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स है तो जैसे मैंने बताया वेक्टर का ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लाइन में भी सेम चीजें रहने वाली हैं सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वेक्टर और लाइन का समझना है इसी तरह से कार्टिजन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये हम स्टडी करेंगे कोप्लेनर एंड क्यू लाइन आप कोप्लेनर देखिए क्लास इलेवेंथ में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कोप्लेनर वाले इवन सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे भी करेंगे वहाँ किए थे हमने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की हेल्प से और यहाँ पे हम लोग करेंगे उसे वेक्टर की हेल्प से डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को साइंथ की हेल्प से सेम क्वेश्चन होने वाले हैं कई क्वेश्चन सेम ही हैं उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कार्टीजन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ये है एंगल बिटवीन टू लाइन टू प्लेन अ लाइन एंड अ प्लेन तो आज वाले चैप्टर में भी हम एंगल स्टडी करेंगे टू लाइंस का वहाँ पे आपके पास जब यहाँ स्टडी करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी लाइन की आज हम लोग डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन को साइन की हेल्प से लाइन देखेंगे उसके बाद डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन तो ये सारी चीज़ें हैं और अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो इसमें से आज का लेक्चर जो कवर करेगा वो ये वाला पार्ट करेगा डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ये वाला और आगे हेल्प करेगा हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस में तो यही देखिए हमारे पास है डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन रेशियो पहले लाइन का स्टडी करेंगे फिर लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इसका स्टडी करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट आज हम स्टडी करने वाले हैं और इसी के ऊपर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स वाला इसके बाद आ जाएगा तो इसको करने से पहले हम लोग लाइन देख लेते हैं तो देखिए लाइन क्या थी हमारे पास लाइन थी कि जो एक्सटेंड करेगी इनफाइनेटली इन डायरेक्शन लाइन है टू डायरेक्शन इसके बाद हमारे पास ये तो थी लाइन उसके बाद आती थी हमारे पास डायरेक्टेड लाइन डायरेक्टेड लाइन में क्या आती है हमारे पास यही लाइन हमारी डायरेक्टेड लाइन होगी अगर उसमें डायरेक्शन हो यानी कि ये हो जाएगी या फिर ये हो जाएगी अगर लाइन में डायरेक्शन भी हो तो ये हो गई हमारे पास डायरेक्टेड लाइन और इसी का अगर हम लोग सेगमेंट अभी इससे पहले इसके बाद आता है रे रे में क्या होता है हमारे पास रे में हमारे पास जो लाइन एक्सटेंड करती है वो एक डायरेक्शन में करती है रे में क्या होता है रे एक्सटेंडेड इंफाइनेटली इन वन डायरेक्शन जैसे सन रे होती है हमारे पास तो ये एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगी इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास ये डायरेक्टेड लाइन के बाद डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इसका अगर हम लोग इसके दोनों एंड को फिक्स कर दें हम लोग तो वो हमारे पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बन जाती है मीन्स वी रिस्ट्रिक्ट अ डायरेक्टेड लाइन तो अगर हम डायरेक्टेड लाइन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बन जाती है मींस इसमें क्या होगा इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन डायरेक्शन तो देखिए इसमें भी थी पर मैग्नीट्यूड इसका पता नहीं था इंफाइनिटली जो है एक्सटेंड हो रही थी इन बोथ डायरेक्शन और यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो ये है आपके पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और यही हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर वेक्टर्स में स्टडी किया था अब हमारे पास क्या है हमारे पास ये है इसके डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को साइंस निकाल लें लाइन के निकालेंगे इसकी हेल्प से तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा बस सिर्फ अभी हमें वो देखना है तो एक चीज़ तो ये इसी तरह से दूसरा हमारे पास क्या था वो एक ही बार देख लेते हैं कि हमने जब स्टडी किया वेक्टर को तो हमने देखा ये हमारे पास वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस और ये z एक्सेस हमारे पास एक पॉइंट P था जिसके कोऑर्डिनेट थे x y z और हमने कहा कि ये x एक्सेस से अल्फा एंगल बना रहा है y एक्सेस से बीटा एंगल बना रहा है z एक्सेस से गामा एंगल बना रहा है तो ये अल्फा बीटा गामा ये थे आपके डायरेक्शन एंगल और ये हमारे पास वेक्टर आर था ये जो ओपी है ये ओ वेक्टर आर था हमारे पास वेक्टर ओ पी इज वैक्टर आर ओके ये हमारे पास वेक्टर आर था और ये अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल हो गए इसी तरह अगर हम इसकी कोसाइन वैल्यू ले लें मीन्स कॉस एल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ये हमारे थे डायरेक्शन कोसाइंस और इसी को हम रिप्रेजेंट करते थे एलेमेन से और इसे एंगल ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर देते थे तो ये कॉस एल्फा एल कॉस एल्फा है एम कॉस बीटा है और एन कॉस गामा है तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते थे अब हमने कहा कि जो नंबर नंबर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन वो कहलाते हैं आपके डायरेक्शन नंबर मींस आपके पास ए अपॉन एल नंबर जो प्रपोर्शन में है डायरेक्शन को साइन के बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन अगर ये नंबर सेम प्रोपोर्शन में हो जाए डायरेक्शन को साइन के साथ देखिए ए अपॉन एल बी अपॉन एम सी अपॉन तो ये जो ए बी सी हैं ये जो ए बी सी हैं ये कहलाते थे हमारे डायरेक्शन नंबर्स या डायरेक्शन रेशोस डायरेक्शन नंबर और डायरेक्शन रेशोस भी कहते हैं इनको हम लोग ओके okay? तो ए बी सी जो है हमारे पास ये डायरेक्शन रेशोज होते थे और ए इज इक्वल टू लेमडा एल बी इज इक्वल टू लेमडा एम और सी इज इक्वल टू लेमडा एल और जब हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे हमें पता चलेगा कि ये जो x इज इक्वल टू है वो हमारे पास एल आर है देखिए वो किस तरह से था वो भी देख लीजिए वो इस तरह से था कुछ कि आपके पास ये जो पॉइंट ये जो पॉइंट आपका P था इससे जब आपने ये OP हो गया इससे जब आपने ये X एक्सेस ये Y एक्सिस और ये Z एक्सेस X एक्सिस पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो देखिए ये परपेंडिकुलर मैंने वहाँ पे बताया था थ्री डायमेंशनल में क्लास एलेवंथ में ये परपेंडिकुलर हमें दिखाई नहीं देता ये वाला है वो परपेंडिकुलर ऐसा लग रहा है जैसे 30 डिग्री या 20 डिग्री का एंगल है बट ये परपेंडिकुलर है देखिए ये जो है आपके पास ये एक प्लेन है ये वाला प्लेन ये प्लेन ठीक है और ये पॉइंट जो है कुछ इस तरह का है ये तो ये आपके पास ये ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये वाला ये जब हमने इससे इसे मिलाया तो ये और ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ये थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा इसीलिए हमने बताया आपको कि क्लास इलेवेंथ में आप एक बार उसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और अगर हम इसको ओ इसे ए इसे पी मान लें और अगर इसके कोऑर्डिनेट कौ, एक्स वाई जेड है तो ये ओ ए एक्स होगा एंगल अगर ओ पी जो है ओ एक्स से अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है तो देखिए कुछ इस तरह से है ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये ए ओ पी ए ओ पी अगर ये आपके पास ओ है ये ए है ये पी है तो ए ओ पी ये तो हो गया आपके पास एल्फा और ये ओ ए पी ओ ए पी देखिए ये है 90 डिग्री और ओ पी आपके पास ओ पी आपके पास ये है आर आर मीन्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये है आपके पास आर तो अगर हम यहाँ से देखें इस ट्राइंगल की बात करें और ये जो ओ ए है इसके कोऑर्डिनेट चूंकि एक्स वाई जेड है तो ये एक्स होगा तो ये आपके पास एक्स है तो कॉस एल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर मीन्स एक्स इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा तो इसी तरह से जो x इज ईक्वल टू आर कॉस एल्फा मीन्स आर एल एक्स इज ईक्वल टू एल आर हो जाता है y इज ईक्वल टू एम आर हो जाता है और z इज ईक्वल टू एन आर हो जाता है तो ये जो एक्स वाई जेड है ये हमारे डायरेक्शन रेशोस हो जाते हैं ये ए बी सी की फॉर्म में हम लोग यहाँ एम लेमडाइन इन कर दें और अगर कोऑर्डिनेट दिए हैं तो ये एक्स वाई जेड मीन्स वट कि अगर आपके पास कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हैं कंपोनेंट फॉर्म में अगर आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हैं तो ये जो एक्स वाई जेड है ये तो होते हैं डायरेक्शन ओके, okay? और देखिए यहां पे एल इज इक्वल टू क्या x अपॉन आर तो x अपॉन आर मीनस अगर हम लोग इस वेक्टर r को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x अपॉन आर इसे आर ही लिखते थे यूनिट वेक्टर i, y अपॉन आर यूनिट वेक्टर j प्लस जेड अपॉन आर यूनिट वेक्टर k, और ये तो हो गया यूनिट वेक्टर r इज इक्वल टू और ये हो गया l l i प्लस एम जे एम जे प्लस एन के मीन्स वट अब आपको याद ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है कि आपके पास जो वेक्टर आर कंपोनेंट फॉर्म में है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म में उसमें जो एक्स वाई जेड है ये डायरेक्शन रेशोज़ होते थे और इसी में अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल दें और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स अपॉन आर ये वाला हो जाएगा ये और इस एक्स अपॉन आर एल होता है मीन्स यूनिट वेक्टर आर में ये जो कंपोनेंट है ये इसके डायरेक्शन को साइन होते हैं मीन्स एल एम एन होते हैं ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और उसी समय पे आपको ये भी बताया था कि डायरेक्शन को साइन में जो रिलेशन होती है वो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन होती है तो ये सारे वो कॉन्सेप्ट हैं जो अभी हम लोग जब लाइन के डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो यूज़ करेंगे ये सारी चीज़ें हमने वैक्टर्स में स्टडी करी थी हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन रेशियोज की बात करें लाइन की तो हमारे पास सपोज एक लाइन है ये तो हमारे पास थ्री डायमेंशनल स्पेस है वाई एक्स जेड ओके अब इसमें लाइन कहीं पे भी हो सकती है सपोज हम डायरेक्टेड लाइन ले लेते हैं अभी हमने डायरेक्टेड लाइन ले ली एल कि लेट एल क्या है हमारे पास एक डायरेक्टेड लाइन है डायरेक्टेड लाइन का निकालेंगे तो क्या होगा वो उस समय देख लेंगे हमें अभी डायरेक्टेड मैंने बताया ना आपको एक डायरेक्टेड लाइन है आपके पास एक लाइन है तो लाइन में तो डायरेक्शन कोई से भी हो सकती है डायरेक्टेड लाइन में आपके पास हमने डायरेक्शन दे दी तो फिलहाल हम वो केस ले लेते हैं अब हमने क्या किया इसी डायरेक्टेड लाइन के पैरल एक लाइन ड्रॉ करी जो कि ऑरिजन से पास हो रही है मीन्स ये वाली ये ऑरिजन से पास हो रही है और इसका नाम दे दिया कैपिटल एल मीन्स कैपिटल एल क्या है ये डायरेक्टेड लाइन है डायरेक्टेड लाइन पैरल टू स्मॉल ये वाली लाइन एल जो लाइन थी आपके पास वो वाली लाइन पैरेलल टू हेल्प पासिंग थ्रू इसका सिर्फ चेंज क्या किया कि ये जो है पासिंग थ्रू ऑरिजन है इससे फ़ायदा क्या हुआ इससे फ़ायदा ये हुआ हमारे पास कि अब अगर हम लोग ये मान लें ये वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से तो बना रही है एंगल एल्फा वाई एक्सिस से बना रही है एंगल बीटा और जेड एक्सिस से एंगल बना रही है गामा तो ये जो एल्फा बीटा गामा है ये तो हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन एंगल्स ओके okay? और इसका जो कोसाइन है यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइंस ओके okay? जब हम लोग कोसाइन की बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं तो वो तो सिर्फ एंगल के ऊपर डिपेंड करती है तो इस डायरेक्टेड लाइन में तो हमारे पास क्या है हमने ये मान लिया कि डायरेक्ट लाइन है और उसकी डायरेक्शन है और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में डायरेक्शन है तो और जो डायरेक्शन कोसाइन है वो सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है इसलिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का और डायरेक्टेड लाइन का जो डायरेक्शन को साइन है वो सेम होगा ओके okay? ये कॉन्सेप्ट है देखिए इसमें बस इतना तो cos alpha, cos beta, cos gamma, direction सा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हमारे डायरेक्शन कोसाइन्स आ गए इसमें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायरेक्टेड लाइन ओके अब अब अगर हम लोग लाइन की बात करें तो लाइन में क्या थे तो डायरेक्टेड लाइन थी लाइन में आपके पास दोनों डायरेक्शन हो सकती हैं तो दोनों डायरेक्शन के केस केस में में उस में क्या होगा कि अब आपके पास सपोज ये लाइन जो कैपिटल कैपिटल थी थी वो ये 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 वाली वाली आपके पास ये है अब ये जो ये लाइन है तो लाइन में डायरेक्शन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है तो जब हम ये वाली बात करेंगे इसकी तरफ तो ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस अगर ये इससे एंगल एल्फा बना रहा है तो ये एंगल बनाएगा पाई माइनस एल्फा मींस आपके पास ये एंगल आ जाएगा पाई माइनस एल्फा अब हम इस लाइन की बात करें अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो ये वाई एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा, वो बनाएगा पाई माइनस बीटा, और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा, वो बनाएगा पाई माइनस गामा तो मीनस कि वी नो लाइन इन स्पेस लाइन इन स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड इन टू अपोजिट डायरेक्शन दो अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है तो इसीलिए इट हैज टू सेट सेट्स ऑफ डायरेक्शन एंगल्स एज वेल एज डायरेक्शन को साइन दे ऑर फोर अगर आपके पास एक कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है तो दूसरा क्या होगा कॉस पाई माइनस एल्फा कॉस पाई माइनस बीटा कॉस पाई माइनस गामा मीन सेट ऑफ डायरेक्शन एंगल्स ये तो क्या हो जाएंगे ये तो हो जाएंगे एल्फा बीटा गामा एंड माइनस ये पाई माइनस एल्फा पाई माइनस एल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा और सेट ऑफ सेट ऑफ डायरेक्शन को साइन देखिए हम चाहते हैं तो आपको दो मिनट में फार्मूला लिखवाते और आगे क्वेश्चन सॉल्व करवा देते पर वो चीज़ फिर आपको हमेशा कंफ्यूज करती रहेगी और यही प्रॉब्लम रहती है कि ये चैप्टर हमें टफ लगता है तो ये हो जाएगा कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा एक तो ये हो गया एंड एक हो जाएगा कॉस पाई माइनस एल्फा कॉस पाई माइनस एल्फा इज माइनस कॉस एल्फा कॉस पाई माइनस बीटा इज माइनस कॉस बीटा कॉस पाई माइनस गामा इज माइनस कॉस गामा दैट इज अगर ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस एल एम एन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस एल माइनस एम और माइनस एल तो इतना सा देखिए ये है अब जैसे हमने बताया आपको कि डायरेक्शन को साइंस हो गए डायरेक्शन रेशोज अगर हम बात करें तो डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं डायरेक्शन रेशोज नंबर होते हैं जैसे बताया था आपको आर नंबर आर नंबर आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस मीन्स अगर ए बी सी हमारे पास नंबर है जो कि एलिमेंट के साथ सेम प्रपोर्शन में है मीन्स ए अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एम अगर ये सेम प्रपोर्शन में है तो ए बी सी क्या होंगे ये ए बी सी डायरेक्शन रेशोज होंगे या डायरेक्शन नंबर्स होंगे इज इक्वल टू अगर ये सेम प्रपोर्शन में लेमडा है तो ए इज इक्वल टू लेमडा एल बी इज इक्वल टू लेमडा एम सी इज इक्वल टू लेन देखिए वही चीजें जो अभी पीछे हमने कराई आपको वेक्टर्स में जो का रिवाइज कराया वही सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं तो ये जो ए बी सी हैं ए बी सी ये जो है हमारे पास ये है डायरेक्शन तो देखिए कितना सिंपल है अब अगर हम इसमें कुछ नोट पॉइंट देखें कि नोट पॉइंट क्या है तो डायरेक्शन रेशोस डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ लाइन तो यहां पर ये यह हो गया अब अगर हम इसमें नोट पॉइंट की देखें तो सबसे फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है कि लाइन लाइन हैज यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस तो यूनिक होंगे टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन अगर हैं, एक एलेमेंट एक माइनस एलेमेंट माइनस एल माइनस एल माइनस एन, तो वही रहने वाले वो चेंज नहीं होंगे एंड आर इनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशोस डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट होंगे क्यों देखिए ना यहाँ पे देखिए ना एज इक्वल टू एलेमेन तो यूनिक है एलिमेंट तो यूनिक है अब लेमडा वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री हो सकता है फोर हो सकता है कोई भी वैल्यू हो सकती है लेमडा नॉन जीरो लेमडा जो यहां पे है ये नॉन जीरो, जीरो रियल नंबर है ये नॉन जीरो रियल नंबर है तो रियल नंबर तो इनफाइनाइट है तो इसलिए ए की वैल्यू भी इनफाइनाइट होंगी बी भी इन्फाइनाइट सी भी इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी तो इसीलिए ये जो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायरेक्शन रेशोस होंगे दूसरा इसी तरह से हम लोगों को पता है कि जो रिलेशन है बिटवीन डायरेक्शन को साइंस वो होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन ये रिलेशन है रिलेशन बिटवीन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ओके okay. और इसका अगर आपको प्रूफ देखना है तो प्रूफ देखिए वैसे तो आपके ये सिलेबस का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट कॉन्सेप्ट आप एक दो बार ही कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सपोज ये पॉइंट है पी एक्स वाई सीटी मैं आपको अभी अभी कराया भी है ये इससे मिला है ये ओ पी तो हो गया आपके पास आर और ये एंगल हो गया नाइन्टी डिग्री और ये एंगल है एल्फ़ा तो अगर हम इसे टू डायमेंशनल में ड्रा करें टू डायमेंशनल में ड्रा करें तो ये ओ ए और पी तो ओ पी तो हो गया आर और ये पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है ये जो आपके पास है ये परपेंडिकुलर है बेसिकली परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने एक्स एक्सिस पे और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास एक्स जीरो ज़ीरो एक्स कोऑर्डिनेट होगा बाकी वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होंगे और ये एक्स यहाँ से यहाँ तक एक्स होगा मीन्स ओ और अगर आपके पास ये ए है तो ओ एज़ इक्वल टू हो गया एक्स तो और ये एंगल है आपके पास ए ओ पी देखिए ए ओ पी एंगल है आपके पास अल्फा तो यहां से देखें तो एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस एल्फा दैट इज एक्स इज इक्वल टू आर एल्फा अभी आपने किया भी था तो यहां से आगे एक्स इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा सिमिलरली वाई इज इक्वल टू आर कॉस बीटा और z इज इक्वल टू आर कॉस गामा यहां से हो गया एक्स इज इक्वल टू एल आर वाई इज इक्वल टू एम आर और z इज इक्वल टू एन आर इसे स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर 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 आर आर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर तो कॉमन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ये आर स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिस एम्प्लाइज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन तो देखिए वही एक चीज़ घूम फिर के आई यही हमने वेक्टर्स में बताया आपको यही एंगल बताया वही इसके प्रूफ में भी आ गया तो ये हमारे पास रिलेशन आती है बिटवीन डायरेक्शन को साइन कि अगर किसी लाइन की डायरेक्शन को साइन हमें पता है तो उनके स्क्वायर का सम वो इज इक्वल टू वन होता है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे इसी तरह से अगर हम लोग इसका थर्ड पॉइंट देखें थर्ड पॉइंट देखें कि अगर आपके पास ये एल एम एन ये डायरेक्शन को साइंस है और ए बी सी ये डायरेक्शन रेशोज हैं अगर आपके पास तो ए इज इक्वल टू लेमडा एल होता है बी इज इक्वल टू लेमडा एम होता है सी इज इक्वल टू लेमडा एन होता है मीन्स एल इज इक्वल टू ए अपॉन लेमडा एम इज इक्वल टू बी अपॉन लेमडा एन इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा और वी नो अभी हमने ऊपर बताया कि एल स्क् टू वन होता है दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस बी स्क्र अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन लेक्ट इज लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज लेमडा इज इक्वल टू दैट इज लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स आपके पास जो एल है ये जो यहाँ से हमारे पास एल निकला था ये एल हो जाएगा ए अपॉन प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और n इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन मीन्स इसका क्या है कि अगर आपको डायरेक्शन रेशोज़ गिवन है ए बी सी डायरेक्शन रेशोज़ आपके पास अगर की बने है और डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं तो वो ये निकलेंगे और प्लस माइनस होने के कारण ही मैंने बताया था लाइन में हमारे पास दोनों डायरेक्शन होंगी और या तो ये सारे पॉजिटिव होंगे या सारे नेगेटिव होंगे इन जर्नल जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव वाली वैल्यू लेते हैं हम एक्यूट एंगल मान के चलते हैं कि एंगल हमारे पास एक्यूट होगा जो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये वाला जो आता था ये जो लाइन थी हमारे पास इन जर्नल जब हम इस लाइन की बात करेंगे और ये एंगल की बात करेंगे y x और z एंगल की बात करेंगे तो हम एक्यूट वाला एंगल लेके चलेंगे क्योंकि एक हमारे पास ये अगर एंगल बीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा हमारे पास पाए माइनस बीटा तो हम इन जनरल एक्यूट एंगल निकाल देते हैं और एक्यूट एंगल के लिए मॉडलस कर देते हैं जब क्वेश्चन आएंगे तब बताएंगे अब नेक्स्ट आता है कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशोज फोर्थ डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे अरे बहुत ईजी है देखिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है नाइनटी नाइनटी Y और Z. ये y. Y से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है जेड से भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक्स एक्सिस अपने आप से कितना एंगल बना रहा है जीरो डिग्री का और कोसाइन ऑफ एंगल ही तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन होते हैं तो मीन्स आपके पास एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें यहां पे तो कॉस जीरो X X से कितना एंगल बना रही है जीरो देखिए यहां पर लिख देते जीरो कॉस ऑफ बीटा बीटा कितना है बीटा मीन्स वाई एक्सिस से एंगल क्या बना रहा है 90 डिग्री और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री ये जो है 90 डिग्री ये बना रहा है 90 डिग्री ये बना रहा है और अपने आप से ही ज़ीरो बना रहा है तो कॉस जीरो इज वन नाइन्टी जीरो एंटिस जीरो मीन्स एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन को साइन है वो वन जीरो जीरो होते हैं डायरेक्शन को साइन ऑफ वाई एक्सेस की बात अगर हम करें तो वाई एक्सेस की देखिए वाई एक्सिस क्या है वाई एक्सिस तो पहला है तो होता है कॉस एल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा यही तो है एल्फा एक्स एक्सिस एंगल बीटा वाई एक्सिस एंगल गामा जेड एक्सिस अब वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री का मीन्स कॉस 90 एल्फा 90 है बीटा मीन्स जिस लाइन का हमें कोसाइन निकालना है वो y एक्सिस से कितना एंगल बना रही है हमें यहाँ पे y एक्सिस का ही निकालना है तो y एक्सिस y एक्सिस से कितना बना रही है जीरो ज़ीरो और जेड एक्सिस से 90 तो मीन्स वाई एक्सिस आ गया जीरो वन एंड 0 और सिमिलरली डायरेक्शन को साइन ऑफ जेड एक्सिस क्या हो गया आपके पास 0 0 वन तो देखिए हम कोशिश करते हैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दें तो ये तो हो गया आपके पास लाइन का केस अब जो हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइन साइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट तो डायरेक्शन को साइन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी एंड क्यू ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन पी क्यू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन पी क्यू और जेड टू माइनस जेड वन अपॉन पी क्यू देखिए वहाँ पे क्या था वहाँ पे था ये P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड थे तो जो डायरेक्शन को साइन था वो था हमारे पास एक्स अपॉन आर यहाँ पे क्या पी भी है और आपके पास एक क्यू है तो पी क्यू में एक्स टू माइनस एक्स वन और आर की जगह हो जाएगा मॉडुलस ऑफ पी क्यू सेम वही पैटर्न चल रहा है एंड डायरेक्शन रेशोज क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशोज डायरेक्शन रेशोज क्या होते थे इसमें एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशोज होते थे तो यहाँ पे हो जाएंगे एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन ये डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे कैसे आते हैं चलो वो भी देख लीजिए प्रूफ भी देख लीजिए तो वैसे मैंने जैसे बताया कि प्रूफ आपके डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट मतलब इम्पोर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बट थोड़ा सा जो है ये कर लेने से आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और कई चीज़ें तो सिर्फ कॉन्फिडेंस से ही क्लियर हो जाती हैं तो सपोज़ आपके पास एक लाइन ये है इसमें एक पॉइंट पी है ये और एक पॉइंट क्यू है आपके पास ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया तो तो अगर आप ध्यान दें तो ये तो प्लेन हो गया आपके पास ये वाला ये 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 y x और z तो वाला जो प्लेन है ये प्लेन है आपके पास एक्स वाई प्लेन हमने क्या किया इस पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस एक्स वाई प्लेन पे इस क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस एक्स वाई प्लेन पे पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन जेड वन क्यू के कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू जेड टू तो एक्स वाई प्लेन इस पॉइंट पी से एक्स वाई प्लेन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसकी जो लेंथ होगी वो होगी जेड वन और क्यू से जो एक्स वाई प्लेन परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसकी लेंथ होगी जेड टू इसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्लास इलेवंथ का जो इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसका जो लेक्चर नंबर टू पॉइंट वन है उसके कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आप देख लीजिए पंद्रह बीस मिनट का है वहाँ पर हमने कोशिश करी थी आपको विजुअलाइज करा दें सारी चीज़ें तो वो बहुत हेल्प करेगा और यहाँ से अगर हम लोग इसको ये करें और देखिए ये वाला अगर आप इस एंगल की बात करें तो ये एंगल तो हमारे पास है ये जो पी क्यू है ये जेड एक्सिस से जो एंगल बना रही है तो गामा बना रही है यही तो बताया था आपको कि कोई भी लाइन अब इस लाइन के पैरेलल हमने यहाँ एक लाइन भेजी थी ये जेड एक्सिस से गामा बना रही है तो ये भी गामा होगी यही तो है वो तो यहाँ पे गामा एंगल और अगर ये गामा आपके पास है तो आपके पास ये एंगल भी गामा होगा और ये अगर हम लोग P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ये मान लीजिए पॉइंट है M और ये पॉइंट है मान लीजिए N, P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करें क्यू एन पे और वो मान लीजिए आता है एल ओके okay? तो इस ट्राइंगल को अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लें यहां पे इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर लें बस है ये तो हो गया गामा ये हो गया क्यू ये हो गया आपके पास एल और ये हो गया P. ओके okay. ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो हो गया हमारे पास z2 टू माइनस देखिए यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा z2 था और यहाँ से लेके यहाँ तक z1 था तो ये तो डिस्टेंस हो गया z2 टू माइनस तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ये ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने का परपेंडिकुलर ये बेस दैट इज जेड टू अपॉन पी इज इक्वल टू कॉस गा बस इतना सा था यहाँ पे तो मीन्स क्या हो गया हमारे पास कि कॉस कॉस गामा इज इक्वल टू ये हो गया z2 टू माइनस जेड वन अपॉन पी क्यू इसी तरह से सिमिलरली कॉस एल्फा इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन पी क्यू और कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन पी क्यू और ये जो कॉस गामा है यही तो डायरेक्शन को साइन होता है थर्ड वाला जो डायरेक्शन को साइन एन है वही तो है ये एलिमेन तो आ गए हमारे पास देखिए यही तो हमारे पास तो डायरेक्शन को साइंस क्या हो गए बीटा cos, गामा cos, cos, और जेड टू माइनसू कितना सिंपल है तो ये हमारे पास सेकंड था ये हमारे पास था सेकंड फर्स्ट था डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन सेकंड देखिए अब बेसिकली हमारे पास ये सिलेबस में है पर इसमें कितना कम टाइम लगा तो जो भी समय लगा वो पुराने वाले में समय लगा तो अगर हम चाहते तो सीधा आपको ये फॉर्मूला करवा देते और क्वेश्चन सॉल्व करवा देते पर फिर आगे फिर वही होगा जो जनरल परसेप्शन बना हुआ है कि टॉपिक टफ है टॉपिक टफ नहीं है सही जगह से स्टार्ट करना है तो इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइन थर्ड आता है हमारे पास थर्ड है हमारे पास एंगल बिटवीन अब ये भी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं टू लाइन्स ये भी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अभी कराते हैं देखिए ये सब आपको रिवाइज कराया था हमने अब यहाँ पर क्या था कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है ए वन आई प्लस वन जे प्लस सी वन के कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर बी है आपके पास ए टू आई बी टू जे और सी टू के तो हमने बताया था देखिए डॉट प्रोडक्ट बताया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी था ए बी थीटा ये यहां से कहा था कॉस् थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडल वेक्टर ए मॉडल वेक्टर बी ओके एक चीज तो ये हो गई अब आपके पास ये जो इसमें देखिए ये ये अगर हम इस वेक्टर ए की बात करते हैं तो ये ए वन बी वन सी वन ये है आपके पास डायरेक्शन रेशोज और इसी में यूनिट वेक्टर ए यहां पे देखिए ये ये जो वेक्टर ये यूनिट वेक्टर आर और ये वेक्टर आर वेक्टर आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के में एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशोज होते हैं वही हमने है यहाँ पे कहा कि ये जो ए वन बी वन सी वन है ये डायरेक्शन रेशोज़ है और डायरेक्शन कोसाइन की बात करें अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल दें वेक्टर आर का तो ये जो एक्स अपॉन आर ये जो होता है ये डायरेक्शन कोसाइन होता है इसी तरह से ए वन अपॉन मॉडलस वैक्टर ए मीन्स यहाँ पे आ जाएगा एल आई एल वन आई प्लस एम वन जे प्लस एन वन और ये L1 क्या होगा ये होगा A1 वन अपॉन मॉडलस वैक्टर ओके हमने डायरेक्ट कर दिया हमने ये वाला पार्ट ये वाली चीजें छोड़ दी तो और इसी तरह से यूनिट वैक्टर बी इज इक्वल टू एल टू आई मीन्स आई का जो कंपोनेंट है वो डायरेक्शन को साइन फर्स्ट डायरेक्शन को साइन जे का जो कंपोनेंट है वो सेकेंड डायरेक्शन को साइन के का जो कंपोनेंट है वो थर्ड डायरेक्शन को साइन यूनिट वैक्टर के केस में और वैक्टर बी इसी तरह से कुछ मिलेगा वो एल टू आई प्लस बी एम एम टू एम टू जे प्लस एम टू के ये होगा ओके अब हमारे पास देखिए वेक्टर ए आ गया वेक्टर बी आ गया यूनिट वेक्टर ए हो गया यूनिट वेक्टर बी हो गया अब अगर हम कॉस थीटा की बात करें यहां से तो कॉस थीटा इज इक्वल टू यहां से अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज की ये तो क्या हो जाएगा दिस डॉट दिस ए डॉट बी तो क्या होगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन मॉडल ए मीन अंडर उसी टू स्क्वायर देखिए और अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होंगे तो मीन्स ये वाले इस केस में क्या होगा ऐसे देखिये कॉस्ट कि यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी करें तो क्या होगा मॉडुलस वेक्टर ए यूनिट वेक्टर ए मॉडल टू वेक्टर बी मीन्स और इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एम वन एम टू देखिए ये दोनों चीजें तो मीन्स अगर आपके पास डायरेक्शन रेशोज गिवन है तो थीटा ये और डायरेक्शन कोसाइन गेवन है तो ये और आता कहाँ से है वो आता है हमारे पास वेक्टर ए अगर फॉर्म में है और यूनिट वेक्टर दिया है तो उसके जो कंपोनेंट होंगे आई जे के वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे चलिए पहले इसी को थोड़ा सा और देख लेते हैं देखिए ये वही हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं अभी अभी हम लोगों ने थ्री डायमेंशनल तो करा ही नहीं अब आपको समझ में आ गया थ्री डायमेंशनल और वैक्टर में सिर्फ लाइन और वैक्टर का खेल है तो लाइन जहाँ पर आएगा आपको समझ जाना है कि क्या हमें अकॉर्डिंगली चेंज करने बाकी सारी चीज़ें वही चलेंगी तो और यहाँ पे केस क्या बनते हैं हमारे पास केस फर्स्ट बनता है कि अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के तो मींस यहाँ से कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा मींस ये डिनोमिनेटर इधर जाके ज़ीरो मींस देन क्या हो जाएगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स अगर आपके पास ये जीरो आता है तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के या फिर ये तो तब होगा जब डायरेक्शन रेशोज गिवन होंगे और डायरेक्शन को साइंस अगर गिवन है तो कॉस नाइनटी यहाँ पे जीरो तो एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एम टू इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये तो आसानी से निकल जाता है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्शन इसी तरह से पैरेललिज्म का केस आता है कि अगर वेक्टर ए केस टू आता है वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के तो अगर देखिए दो वेक्टर अगर आपके पास मान लीजिए एक लाइन ये है एक लाइन ये।, ये वेक्टर है मान लीजिए इसे हम लाइन नहीं ले रहे हैं या वेक्टर ले रहे हैं ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो ये जो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से एंगल बनाएंगे ये जो वाई एक्सिस से एंगल बनाएगा वही तो ये बनाएगा अगर ये आपके पास बीटा है तो ये भी बीटा होगा इस, इस लाइन का इस वेक्टर का भी अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो ये बीटा ये भी बीटा और इसका कॉज बीटा अगर इस, इसका कोसाइन कॉस बीटा है तो इसका भी कोसाइन कॉस बीटा मीन्स जो दोनों पैरल वैक्टर हैं उनके जो कोसाइंस हैं वो इक्वल होंगे सीधी सी बात है तो इसका मतलब क्या है इस केस में कॉस एल्फा कॉस एल्फा वन इज इक्वल टू तो कॉस एल्फा टू और कॉस एल्फा वन इज एल वन इज इक्वल टू तो एल टू होगा एम वन इज इक्वल टू एम टू होगा और एन वन इज इक्वल टू एम टू होगा और डायरेक्शन रेशो से कैसे निकालेंगे वह अब इसके आप जब ये करा रहे हैं तो उसी समय बताएंगे तो एंगल एंगल बिटवीन टू लाइंस में क्या है कि सपोज आपके पास दो लाइन है अभी तक वेक्टर्स वाला तो अभी हमने आपको बताया अब मान लीजिए एक लाइन ये है आपके पास और एक लाइन ये है ये है आपके पास डायरेक्शन तो नहीं है इसमें ये है एल वन और ये है एल टू ये है आपके पास वाई एक्सेस ये है आपके पास एक्स एक्सेस और ये है आपके पास जेड एक्सेस हमने यहाँ पे एक पॉइंट P ले लिया इसके कोऑर्डिनेट ले लिए A1 B1 C1 और एक पॉइंट ले लिया Q इसके कोऑर्डिनेट ले लिए A2 B2 C2 ओके okay. तो ये जो L1 L2 था ये आपके पास ओरिजिन से पास होती हुई हमने लाइन एज्यूम कर ली अगर ये ओरिजिन से नहीं भी पास हो रही है मान लीजिए ये लाइन ये है तो हमने इसकी एक पैरल लाइन ड्रॉ कर ली ये L1 हमने ये मान लिया L1 उसके पैरल लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है जैसे फर्स्ट केस में हमने किया था तो इसके बीच में अगर एंगल थीटा है तो जो लाइन L1 L2 के बीच में एंगल है वही एंगल OP और OQ के बीच में और OP OQ अब वेक्टर बन चुका है तो वेक्टर बन चुका है तो वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों के यहाँ पे अप्लाई होंगे पर जब हम ओरिजिनली इसे लाइन के लिए देखेंगे तो ये जो L1 और L2 के बीच में जो एंगल बनेगा वैक्टर के बीच में तो देखिए बड़ा साफ़ है कि एंगल ये बन रहा है जब हम लाइन की बात करेंगे तो कोई से भी डायरेक्शन हो सकती है ये डायरेक्शन भी हो सकती है आपके पास डायरेक्शन ये वाली भी हो सकती है और ये भी हो सकती है तो उस केस में आपके पास जो आंसर आएगा वो कोई सा भी हो सकता है ये थीटा भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है पाई माइनस थीटा भी हो सकता है इसलिए प्लस माइनस का कई बार फर्क आ जाता है पर जब हम एंगल बिटवीन टू लाइन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन जनरल मान के चलेंगे कि हम लोगों को एक्यूट एंगल लेना है तो इसीलिए उसका मॉडलस लगा देंगे वो बाद में जब आएगा तब देखते हैं फिलहाल हमारे पास ये जो दो लाइन थी L1 L2 ये दो वेक्टर में आ गई वेक्टर OP और वेक्टर ओ के में और सेम वहीं पे हम लोगों के पास क्या हो जाएगा वेक्टर ओ पी हो गया ए वन आई प्लस पी टू जे सी टू के यहां पे क्या है कि लेट एल वन एल टू आर टू लाइंस पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पी के कोऑर्डिनेट है ए वन बी वन सी वन एंड क्यू के कोऑर्डिनेट है A2, B2, C2, टू पॉइंट्स ऑन आर पॉइंट्स ऑन L1 एंड अब इतना सिर्फ कंसीडर करते साथ ही जो L1 L2 था वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है तो वेक्टर OP और यहाँ से वेक्टर OQ आ गया ए टू आई कै प्लस बी टू जे कै प्लस सी टू के अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है तो यूनिट वेक्टर A की बात करें अगर हम लोग तो ये हो जाएगा L1 I के L1 I प्लस स वैक्टर है यह बताया भी था डायरेक्टली आप इसे ध्यान से दे सकते हैं कि वैक्टर ए अगर कंपोनेंट फॉर्म में है, तो उसके जो कंपोनेंट है वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और अगर यूनिट वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है, तो उसके कंपोनेंट उसके जो आई जे के जो कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्शन को साइंस होते हैं और यूनिट वेक्टर बी हो जाएगा एल टू आई के प्लस एम टू जे प्लस एन टू के ओके अब अगर हम लोग बात करें फर्स्ट कॉस थीटा कॉस थीटा क्या होगा यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी तो यूनिट वेक्टर वैक्टर यूनिट वेक्टर बी केस में ये वाला लेंगे एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू ठीक है एंड साइन थीटा साइन थीटा क्या होगा साइन थीटा होगा अंडर रूट ऑफ समेशन एल वन एम टू माइनस एम वन एल टू का होल स्क्वायर देखिए यहां लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वन को लिखेंगे वन को तो हम लिख सकते हैं एल वन एल वन स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर ये वन होता है इसी की मल्टीप्लिकेशन एल टू स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर से भी कर सकते हैं तो ये भी वन ये भी वन वन इंटू वन इज वन तो इस वन को तो लिख देंगे ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास गिवन है एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू इसका होल स्क्वायर तो जब हम इसकी पेयरिंग करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली टर्म आएगी ये टर्म किस तरह से है वो देख लीजिए ये समीशन की फॉर्म है समीशन की फॉर्म का मतलब है ये हमारे पास अंडर रूट के अंदर या इसे चलिए ऐसे बता देते एल वन एल वन एम वन एन वन और एल टू एम टू और एन टू एम तो एल वन एम टू माइनस एम वन एल टू का होल स्क्वायर प्लस एम वन एन टू प्लस एन वन एम टू का होल स्क्वायर प्लस एल वन एन टू माइनस एन वन एल टू का होल स्क्वायर ये इस तरह से है ओके तो ये हमारे पास साइन थीटा मिल जाएगा इसी तरह से केस टू हमारे पास सेकंड चलेगा इसी में इसे फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं इसे ले लेते हैं फर्स्ट इसे ले लेते हैं सेकंड ये फर्स्ट है सेकंड आ जाएगा हमारे पास डायरेक्शन रेशोज की टर्म में ये तो है इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन को और इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशोस की अगर हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशोस क्या होगा Cos theta is equal to, वो लेंगे हम यहाँ से देखिए इससे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए मॉडल इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो होगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन मॉडल वेक्टर ए मीन्स ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर ये सब कराया दिखे अभी पीछे ए टू स्क्वायर वही सेम वैक्टर का यूज हो रहा है ओके अब यहाँ पर केस चलेगा केस क्या होगा और इसी तरह से यहाँ पे साइन थीटा भी ले लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जैसे वहाँ था समीशन ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू का होल स्क्वायर समीशन मीन्स वही ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू पहले इसका 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 कॉम्बिनेशन बनेगा स्क्वायर फिर बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू का स्क्वायर फिर ए वन सी टू माइनस सी वन ए टू का स्क्वायर अपॉन अंडर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर तो देखिए ये सारी चीजें हम चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवा देते हैं आपको सब, और जो है क्वेश्चन सॉल्व करवा देते बट उन सब चीजों से वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं स्टडी करेंगे तब तक फिर हमेशा मुश्किल ही रहेगी अब इसमें केस देखते हैं केस क्या है केस फर्स्ट है हमारे पास कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ये जब theta 90 degree होगा तो पर पर देखें आप हो हो जाएगा जाएगा और से से डायरेक्शन रेशोज की टर्म्स में अगर हम देखें तो तो नाइन्टी जीरो मैंने पहले बताया था आप कहेंगे सर आप रिपीट करा रहे चीजों को ये रिपीट नहीं है वो वैक्टर्स था ये आपके पास लाइन है तो ये हो जाएगा l1 l2 एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन टू इज इक्वल टू जीरो और ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो केस टू चलेगा आपके पास कंडीशन ऑफ पैरलिज्म थीटा इज इक्वल टू जीरो जब थीटा जीरो होगा तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा ये डिनोमिनेटर इधर जाके जीरो और रूट ऑफ समीशन का समीशन के अंदर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास देखिए कुछ इस तरह से है ए वन एक टर्म ले लेते हैं बी वन ए टू का होल स्क्वायर इसी तरह से बी वन सी टू कर देते हैं बी वन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का स्क्वायर प्लस इसी तरह से ए वन सी टू माइनस टू सी वन का स्क्वायर ओके, इक्वल टू जीरो तीन जो है स्क्वायर वाली टर्म का इंडिविजुअली जीरो होंगे तो मीन तो यहां परीरोन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू और इसके जीरो होने का मतलब A1 वल टू सी वन अपॉन सी टू और इसका मतलब ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो इट मीन वट यहां से क्या आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो अगर आपके पास डायरेक्शन रेशोज की वन है और लाइन के बीच लाइन के लिए कहा कि दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोज का जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए और अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो डायरेक्शन कोसाइन के केस में तो मैंने आपको बताया था एल वन एल टू एम वन एम टू दो पैरल लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एंगल सेम होंगे तो उनके कोसाइन भी सेम होंगे एन वन इज इक्वल टू एन टू तो दिस इज ऑल अबाउट यर कॉन्सेप्ट तो ये हमने कोशिश करी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज टू पॉइंट वन नंबर फर्स्ट है देखिए इसी तरह के क्वेश्चन हमने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी पढ़े तो हमने जैसे कहा था अपने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लियर कर लीजिए कॉन्प्ट क्लियर कर लीजिए वेक्टर्स वाले और अभी से पहले जो हमने कॉन्सेप्ट बताए वहां से भी क्लियर हो जाएगा देखिए हमने ये डायग्राम आपको दो तीन बार बना के दिखाया वहां पर तो ये अगर कोई पॉइंट पी ए बी सी है इससे ये y एक्सेस ये x एक्सेस और ये z एक्सेस तो ये डिस्टेंस का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हम इस परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पे तो ये जो ओ ए है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये ए पी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये जो ओ ए के जो कोऑर्डिनेट हैं ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होंगे तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए ज़ीरो जीरो मीन्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट ओके okay? इसी पॉइंट पी से परपेंडिकुलर जब हम लोग वाई एक्स वाई एक्स प्लेन पर डाल डालेंगे मीन्स इस पर जब हम डालेंगे तो क्या होगा तो उस केस में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसका जो z कोऑर्डिनेट है इसके इक्वल होता है ये सारे हमने डायमेंशनल ज्योमेट्री के केस में आपको विद डायग्राम विजुलाइज करके समझाए थे तो यहां पे बेसिकली हमें जो ये डिस्टेंस फाइंड करना है ये जो एपी डिस्टेंस हमें फाइंड करना है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पॉइंट हमारे पास ये है तो लेट Q ये जो Q है क्यू बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सेस तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे देन Q, Q क्या हो जाएगा Q में आपका Y और Z कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो जाएगा और X कोऑर्डिनेट सेम रहेगा ओके okay, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो पी क्यू डायरेक्टली लिख देते हैं तो पी क्यू क्या हो जाएगा आप इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए अब तो कुछ भी नहीं है तो क्यू ये है पी आपके पास पी आपके पास टू माइनस थ्री फोर है तो टू माइनस टू जीरो का स्क्वायर इज इस ज़ीरो माइनस थ्री प्लस जीरो इज माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर दैट इज नाइन प्लस सिक्सटीन दैट इज फाइव यूनिट ओके okay, इसी तरह से सेकंड क्या है डिस्टेंस ऑफ दिस ऑन वाई एक्सिस अब की बार वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है यहां पे तो जब वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो यहाँ पे पी लेट पी इस बार पी है बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू ऑन वाई एक्सिस तो पी के कॉर्डिनेट क्या होंगे पी के कॉर्डिनेट के लिए वाई एक्सिस पे है तो एक्स और जेड कॉर्डिनेट जीरो और y कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है और q आपके पास दिया है फाइव माइनस फोर देन माइनस फोर ट्वेल्व तो आपके पास पी क्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस का स्क्वायर माइनस फोर ये तो जीरो ही हो जाएगा और ट्वेल्व माइनस जीरो प्लस वन फोर्टी फोर दैट इज वन सिक्सटी नाइन दैट इज थर्टीन यूनिट देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है इसी तरह से थर्ड की बात करें अगर हम लोग डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम एक्स ओ वाई प्लेन मीन्स एक्स वाई प्लेन तो अब देखिए ये तो बड़ा सिंपल है इस पॉइंट पी से जब हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस फिर से एक बार बना देते हैं यहां पे एक पॉइंट पी है इससे हम जब इस हम सॉल्व नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व तो आप खुद ही कर लीजिएगा वाई एक्स इतना इसलिए कर रहे हैं कि direct करेंगे डायरेक्ट समझा जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से तो वैसे तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो अगर इसके कोऑर्डिनेट ए बी सी हैं तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे ए बी जीरो और डिस्टेंस वैसे निकाल देंगे पी क्यू का जैसे अभी निकाला या फिर अगर आप डायरेक्ट देखें तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक ये ये डिस्टेंस इस पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डाला आपने एक्स वाई प्लेन पे और ये जो सी होता है ये वही तो डिस्टेंस होता है सी ही तो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस ऑन एक्स वाई प्लेन तो ये डायरेक्ट यहां से निकल जाएगा तो मींस ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो थ्री आ जाएगा मैंने दोनों मैथड आपको बता दिए आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितना है थ्री यूनिट है और वैसे करना चाहें तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे आपके पास फाइव माइनस सिक्स और जीरो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट तो फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूले से कर लीजिए कैसे चाहे कैसे ही कर लीजिए इसी तरह से फोर्थ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस जेड एक्स प्लेन पे तो जेड एक्स प्लेन पे जो वाई कोऑर्डिनेट होता है यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा माइनस फोर माइनस फोर नहीं फोर यूनिट डिस्टेंस तो माइनस नहीं हो सकता ना और वैसे देखना चाहें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के इसके जो कोऑर्डिनेट है उसमें वो हो जाएंगे टू ज़ीरो एंड सिक्स तो एक कॉर्डिनेट ये क्यू दिया हुआ ही है पी आ गया डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दीजिए या डायरेक्ट डिस्टेंस कर दीजिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ अ लाइन मेक्स एंगल दिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दिस फाइंड इट्स डायरेक्शन को साइन तो डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे वो होंगे आर कॉस एल्फा मीन्स कॉस नाइनटी कॉस बीटा एल्फा बीटा गामा ही तो होते हैं एल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स होते हैं वो अल्फ़ा बीटा गामा ये दिए हैं कॉस सिक्सटी एंड कॉस 30 डिग्री दैट इज कॉस नाइनटी इज जीरोज वन बाय टू एंड रूट थ्री बाय टू दीज आर द डायरेक्शन direction cosines जीरो वन बाय टू एंड रूट थ्री बाय टू वैसे राइट द डायरेक्शन को साइंस ऑफ जेड एक्सिस तो ये तो मैंने आपको डायरेक्शन को साइंस तो तीनों के ही बता दिए थे एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के तो ये जो ये एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है ये जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है नाइन्टी डिग्री तो कॉस नाइन्टी कॉ एल्फा नाइन्टी हो गया जेड एक्सिस ये एक्स ये वाई है वाई एक्सिस के साथ नाइन्टी डिग्री बना रही है तो कॉस बीटा नाइन्टी है और जेड एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जीरो बना रही है तो ज़ीरो तो मीन्स आपके पास जो डायरेक्शन को साइंस है ये तो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में भी बता दिया था कॉस साइंस है कॉस नाइन्टी जीरो कॉस नाइन्टी ज़ीरो एंड कॉस जीरो वन जीरो जीरो वन ओके इसी तरह से थर्ड है कैन द नंबर बी डायरेक्शन को साइन ऑफ अ लाइन तो डायरेक्शन को साइन के लिए देखिए हिंट भी दिया हुआ है वैसे तो और हमने भी बताया था कि डायरेक्शन को साइन अगर एलेमन है किसी लाइन के तो उनके स्क्वायर का सम वन होता है वो चेक कर लेते हैं तो हेयर वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर वन बाय टू प्लस वन बाय टू प्लस वन बाई टू दैट इज थ्री बाय टू नॉट इक्वल टू वन तो ये डायरेक्शन को साइन नहीं होंगे नो no. सेकेंड कैन अ लाइन हैव डायरेक्शन एंगल ये क्या डायरेक्शन एंगल हो सकते हैं ये तो डायरेक्शन को साइन क्या होंगे डायरेक्शन को साइंस देख लेते हैं डायरेक्शन को साइन अगर ये डायरेक्शन एंगल है तो डायरेक्शन को साइन क्या होंगे कॉस फोर्टी फाइव डिग्री कॉस सिक्सटी डिग्री एंड कॉस वन ट्वेंटी डिग्री दैट इज़ वन अपॉन रूट टू वन अपॉइन टू एंड कॉस वन ट्वेंटी इज कॉस नाइनटी प्लस थर्टी दैट इज माइनस थर्टी दैट इज माइनस वन अपॉइन टू और यहाँ पे देखें चेक करते हैं इसे वन अपॉइंट रूट टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस माइनस ये डायरेक्शन एंगल हो सकते हैं यस गिवन एंगल में बी द डायरेक्शन एंगल ऑफ अ लाइन इसी तरह से थर्ड है आपके पास कि प्रूव दैट दिस कैन नॉट बी डायरेक्शन को साइन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन तो हेयर क्या है वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज थ्री नॉट इक्वल टू वन तो वन 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 कैन नॉट बी डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन तो कितना सिंपल है इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ लाइन आर ये डायरेक्शन को साइन गिवन है ये डायरेक्शन को साइन अगर ये डायरेक्शन को साइंस है इफ वन अपॉन सी वन अपॉन सी वन अपॉन सी आर डायरेक्शन को साइंस तो क्या होगा तो वन अपॉन सी का स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी का स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वन होगा मीन्स थ्री अपॉन सी स्क्वायर वन होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री दैट इज सी इज इक्वल टू इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री तो देखिए कितना सिंपल है तो आज के लेक्चर में बस इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए विद डेट ऑल थैंक यू